बड़ा ग्रोसरी स्टोर जिसमें लिटरली इतना खाना है कि जिससे आप एक पूरी सिटी को खिला सकते हैं। और फिर मैंने इसमें एक रैंडम आदमी को कैद कर दिया और जितने भी दिन तुम यहाँ रहोगे मैं तुम्हें $10,000 दूंगा एक ग्रोसरी कार्ट में। क्या बात है दोस्त। हाँ। चलो करते हैं, ये 24 घंटे बाद ही मिलेंगे। ओके। ये चैलेंज एलेक्स को एक मल्टी मिलियनेयर बना सकता है जिसका मतलब है कि वो यहाँ सालों तक रुक सकता है। और चैलेंज शुरू होता है अब। ठीक है जिमी चला गया है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा, मैं तो यहाँ सालों गुजार सकता हूँ, वक्त है ग्रोसरी शॉपिंग करने का। और अगर एलेक्स वो रेड लाइन क्रॉस करता है जिसे हमने पूरे ग्रोसरी स्टोर के चारों तरफ बनाया है तो चैलेंज खत्म हो जाएगा और उसे जीती हुई रकम लेकर लौटना होगा। और उसे अंदर बनाए रखने के लिए आपको बता दें कि हम अनगिनत कैमरा से पूरे ग्रोसरी स्टोर के हर एक स्क्वायर इंच पर नजर जमाए रखे हैं। शायद मेरे पास यहाँ पर है रिबाय स्टेक स्ट्रिप्स, शायद यही होगा हमारा होम बेस इस ग्रोसरी स्टोर में एक छोटा सा कोना। अगर हर रात ऐसा खाना मिलता रहा तो मैं यहाँ महीनों तक रहूंगा। डे 1 कंप्लीट हुआ, सुबह मिलते हैं। अभी 24 घंटे हो चुके हैं और मैं पहले 10,000 लाया हूँ। एलेक्स, हे, इन्हें छूकर कंफर्म करो ये 10,000 है या नहीं। हाँ ये है। हाँ, मुझे भरोसा। अब वक्त है ट्विस्ट के बारे में बताने का। बेसिकली जब भी मैं तुम्हें $10,000 कैश दूंगा तब तुम्हें मुझे देने होंगे पूरे $10,000 कीमत के आइटम। और अब एलेक्स को तय करना होगा कि उसे और सर्वाइव करने के लिए मुझे कौन से आइटम्स देने होंगे। Oh, wow. Okay. अच्छा है कि यहाँ पर कई महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। शायद ये अच्छा आइडिया होगा, मैं टीवी को तो नहीं खा सकता तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हारे 22 सेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है मैं चेकआउट करता हूँ। तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है? नहीं। लेना चाहोगे? नहीं। आगे डिस्काउंट हो जाएगा। ये है तुम्हारा कैश क्रिस, ये सब ले जाओ। पीप, 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 मैं और $10,000 कैश के साथ कल भी आने वाला हूँ, तब तक ये सोच लो कि तुम और क्या बेचोगे। इससे सब बदल गया है, शायद अब थोड़ा आराम करना चाहिए। कल जल्दी उठता हूँ और ये तय करता हूँ कि मुझे किन किन चीजों को यहाँ से रवाना करना चाहिए। पेट फूड, पेट आइटम्स। जिमी मुझे ये खाने के पैसे नहीं दे सकता, कसम से। मेरे पास यहाँ पूरे $10,000 का डॉग फूड है। सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर सुबह जल्दी उठूंगा और कल के लिए और आइटम्स जमा करूंगा। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एलेक्स, कैसे हो जिमी? हे, क्या आज तुम मुझे वो बेचने वाले हो? आज है वो डॉग फूड। ओह माय गॉड, इसे हटाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। रुको, क्या हम इसे ऐसे ताली बजाओ, ट्रांजिशन लगा देंगे। और ये हो गया, वो सारी चीजें काउंटर पर हैं। वो इफेक्ट बहुत कूल है ना? मुझे बीस्ट मैजिक पसंद है। वो है $9,991.80 और ये है फाइनल आइटम। अब वो है पूरे $10,045। और आपको बता दूं, वो हर एक आइटम जो एलेक्स मुझे बेचेगा हम उसे चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। तो डोंट वरी, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अगले कुछ दिन एलेक्स बहुत आराम से गुजारेगा। और पांचवें दिन पर उसने मुझे $10,000 की सब्जियां बेची। ये सारी सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। छठवें दिन पर उसने मुझे डायपर्स बेचे। फिर 7, 8 और 9वें दिन पर उसने मुझे और $30,000 के आइटम्स बेचे। उसने स्टोर का बैक रूम भी खोज निकाला और वो 10 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए उसने खुद का एक शावर भी बनाया। बम बम और एक लॉन्ड्री सिस्टम भी। डब डब। हे, सब कैसा चल रहा है? कैसे हो जिमी? ठीक है, मुझे सच सच बताना, अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कितने दिन रह सकते हो? मतलब कि मैं यहाँ पूरे 100 दिन रह सकता हूँ। ओ सच में? ये एलेक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन यहाँ रहना चाहता है। मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव वीडियो होने वाला है, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सब क्या है जिमी? चाहे तुम यहाँ 100 दिन भी रहो, मेरे पास पैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इतने पैसे यहाँ किसने रखे? बैंक ने। तुम ये मिलेंगे, पर पहले मुझे चाहिए मेरे $10,000 के आइटम्स। ठीक है, तो आज मेरे पास और टीवीज हैं। आखिर ग्रोसरी स्टोर में जाकर कोई टीवी क्यों खरीदेगा? ये यहाँ पर क्यों है? एलेक्स मुझे सच सच बताना, कहीं तुमने इन सभी बॉक्सेस में से टीवीज को निकाल कर पत्थर तो नहीं भरे? डॉग्स। ओके, मुझे भरोसा है, भले ही मैंने वो नहीं पूछा था। 11वें दिन आने तक कौन सी चीजें बेचनी है इस बारे में एलेक्स बहुत एफिशिएंट हो गया था। $10,001.89। और क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए जाना पड़ा जहां मैं खुद को 7 दिन आइलैंड पर फंसाता हूं, ये कंफर्टेबल तो नहीं है, पर प्रे करो कि आज रात 30 मिनट की नींद तो मिल जाए। इसलिए पैसे देने के लिए किसी और को भेजना पड़ा, हम उसे कहते हैं द मनी मैन। मनी मैन आ गया। थैंक यू सर। पूरे $100,000 है, मैं आराम से $1,000,000 बना सकता हूँ। और खाली वक्त में खुद को एंटरटेन करने के लिए उसने जो किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं बना रहा हूँ एक चीज बॉल वॉल। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चीज बॉल्स। बहुत ही मजा आया, वो बहुत कमाल था। 13वें दिन पर एलेक्स ने अपना शार अपग्रेड करने का सोचा क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है। अब मैं जल्दी से इन 4 शेल्स का इस्तेमाल करके मेरे इस शावर को ठीक करूंगा, तो चलो करते हैं।
अब मैं इन प्लास्टिक लाइनर्स को लेकर इन्हें यहाँ लगाऊंगा। अब ये वॉल्स वाटरप्रूफ हैं। ठीक है, हमें ये मानना ही होगा। कमाल है कि ये आदमी रॉ स्टोर पार्ट्स के साथ एक फंक्शनिंग शावर बना रहा है। बढ़िया, देखो हो गया, शावर तैयार है, इसे टेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ कुछ दिन बीत चुके हैं, अब मैं बनाऊंगा एक वॉल। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन एलेक्स ने स्टोर के सारे वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करके दीवार बना दी अपने शेल्टर के लिए। उसने सारे टॉयलेट पेपर्स इस्तेमाल करके एक बेड भी बनाया और वो कंफर्टेबल दिख रहा था। बहुत कंफर्टेबल है, अब यहाँ सो सकते हैं। अब मुझे कुछ स्कैन्स करने होंगे, इन पर लंबे समय से मेरी नजर थी। गिफ्ट कार्ड्स, ये कार्ड सच में बहुत महंगे हैं। ये सच में हैरानी की बात है कि बर्थडे कार्ड्स इतने महंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि एलेक्स ने सिर्फ कार्ड से ही अपना $10,000 मार्क पूरा कर लिया। और आइलैंड का वीडियो शूट करने के अगले ही पल यहाँ पर ये सब क्या हो गया। एलेक्स चाहता था कि हम फोकलिफ्ट को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। पता है, अगर इसे स्टोर में ले जाएं तो बहुत मदद होगी। तुम्हें यकीन है तुम क्रिस को इसे चलाने दोगे? हाँ। ठीक है, नहीं बेकरी नहीं, शायद एक बार और करना चाहिए। इस फोकलिफ्ट के मजे लो, तुमसे कल मिलते हैं। अभी उसे मुझे मिले बस एक ही दिन हुआ था, पर एलेक्स को मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो जो भी अभी करने वाला है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। मुझे यहाँ पर ये जिमी का पोस्टर नजर आया, अब हम दोनों यहाँ साथ वक्त बिताएंगे। ये बस मुझ पे नजर रखेगा कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मैं बस अगले 10,000 के लिए स्कैन कर रहा हूँ। $10,000.33 अगले कुछ दिनों के लिए फोकलिफ्ट की वजह से एलेक्स की एफिशिएंसी सातवें आसमान पर थी। उसके पास अपना बेड अपग्रेड करने के लिए भी बहुत वक्त था। ये सच में बहुत बेहतर है, सच में बहुत बेहतर है। और भले ही एलेक्स का असली गोल था $1,000,000, शायद मैं 1,000,000 तक तो जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने हिसाब लगाया कि वो किन चीजों पर खर्च करेगा और उसे एहसास हुआ कि शायद उसे यहाँ इतना नहीं रुकना पड़ेगा। $1,000,000 कहने के लिए तो अच्छा है, पर मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है और अगले 2 महीनों में उन दोनों के बर्थडेज भी आने वाले हैं। मैंने कभी अब तक वो मिस नहीं किए। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं, तो अब मुझे लगता है कि मुझे $5,00,000 कमाने होंगे, लेकिन इस वक्त मैंने बस $2,00,000 कमाए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ बस 50 दिन रहना है, आधे दिन तो हो गए। 22वें दिन पर एलेक्स ने ग्रोसरी स्टोर के सारे गोल्ड फिशेस को बेचने का फैसला किया। ओह माय गॉड। ठीक है, तो इन सभी गोल्ड फिशेस की कीमत है पूरे $10,000। इनसे टॉडलर्स की एक आर्मी का पेट भर जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तुम अभी एक आम जिंदगी जी रहे हो लगभग, परिवार को याद करने के लिए तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं कि अब एलेक्स को मुश्किल हो रही है, पर आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे सारे वाटर बॉटल्स बेचने पड़े जो वो शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर क्योंकि वो स्टोर की खाली शेल्व्स नहीं बेच सकता था, उसे एहसास हुआ कि वो उससे दीवार बना सकता है। अब मैं घर को और मजबूत करूंगा इन मेटल शेल्व्स से। ये हम चले। आप देख सकते हैं कि अब एलेक्स को घर जैसा लग रहा है, पर वो नहीं जानता जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब मैंने लाइट बिल भरना बंद कर दिया था। तो अब किसी भी पल पूरी लाइट्स जा सकती हैं और फिर इसका फ्रीजर और सारी लाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है, पर चीजें और मुश्किल होने से पहले उसे मोटिवेट करने के लिए हमें लगा एलेक्स इनाम का हकदार है। डैड से मिलने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ। मुझे लगता है ये रो पड़ेगा, ये बहुत ही इमोशनल होगा। ओह माय गॉड। ओके, हे एलेक्स, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हेलो। हम कुछ खास मेहमानों को लाए हैं। बच्चों, कल तुम बता रहे थे कि तुम्हें फैमिली की कितनी याद आ रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो 30 दिन पूरे होने के लिए ये दिन इनके साथ बिता दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? जमीन पर उन बॉक्सेस को ऐसे क्यों रखा हुआ? मैंने रेस कार ट्रैक बनाया। अच्छा, और वो एक कार है? क्या ये चला सकते है? कैसा लग रहा है बेटे? देखो आ गए। विश्वास नहीं होता कि तुम सब यहाँ। मुझे भी। डैडी। इधर आओ। आज मैं सेरा और बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो गया। सेरा हमेशा की तरह सुंदर है। I love you. I love you. Bye बेटा, I love you. Heart break.
जब मैंने मेरे बच्चों को देखा तो वो मुझे बहुत अलग लगे। पता है ना, इस उम्र में वो हफ्तों में बड़े हो जाते हैं। अब बस घर जाने का इंतजार है, फैमिली के साथ वक्त बिताना है। कैसे हो? अब जल्दी से चीजों को स्कैन करना चाहिए। अब हम आगे। अब ये क्या, लाइट्स बंद कैसे हो गई? ये क्या चालाकी है? फ्लैश लाइट कहाँ है? क्या ये कोई मजाक है? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या ये तुमने किया सर? नॉक नॉक। ओ वाओ, ये तो बहुत डरावना है। बिजली चली गई है जिमी। हाँ, तो जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिसमें बिजली का बिल था जो मैं कभी भर ही नहीं पाया। ये कैमरास और कैश रजिस्टर एक जनरेटर से कनेक्टेड हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो बताओ यहाँ ये सब क्या है? ओके, तो अभी मेरे पास पूरे $60,000 का सामान था। ओ माय गॉड, पर मुझे लगता है कि क्योंकि अब बिजली नहीं है तो तुम पहले फ्रोजन चीजें बेचोगे। हाँ, चीजें बदल गई। हमें इन्हें स्कैन करना होगा। पहले हॉट मीट्स को निकालते हैं। मेरा हाथ बटाओ। ओके, मैं कार्ड पकड़ता हूँ। मेरा हाथ बटाओ। मैं डोर होल्डर हूँ। और जब तक ये फ्रीजर क्लियर होता है मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई के बारे में। शॉपिफाई ने इस स्टोर में मदद की है ताकि हम उनके कई कस्टमर्स में से एक बिजनेस को प्रमोट कर सके। काश हमारे पास बैग होता जिससे हम इन्हें ठंडा रख पाते। और साथ में हमने चुना है कैंगा कूलर्स को। चैंडलर, क्या तुम्हें पता है इसमें पूरे 12 सोडा रख सकते हैं। और ये इन्हें 7 घंटों तक ठंडा रख सकता है। ये बहुत ज्यादा है। यहाँ पर है मल्टी विनर्स, यहाँ है सिंगल विनर्स, चीजी विनर्स। कैंगा कूलर्स लाइट वेट है और इंसुलेटेड भी, तो इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। ए, हमें आगे आकर मिलो। चैंडलर, पहले तुम कभी कैशियर बने हो? लो। रुको, क्या तुमने डबल स्कैन किया? रुको, तुम ये रख सकते हो। इसमें हमारा सिर भी फिट होता है। कुछ भी हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर शॉप ऐप को डाउनलोड करें और कैंगा कूलर को खरीदें। मैं इन्हें जाकर स्कैनिंग में मदद करता हूँ। ठीक है, ये है हमारी मीट रिसीट। ये है तुम्हारे 10,000। और हाँ, ये है कैंगा कूलर। ओह बढ़िया। ओह बाय द वे एलेक्स, मैं एक हफ्ते के लिए अफ्रीका जा रहा हूँ। मुझे एक बार फिर से शूटिंग के लिए अफ्रीका जाना पड़ा जहाँ हम सब ने मिलकर 100 कुएं बनाए। हमारा पहला कुआं बन गया है। पानी। एलेक्स काफी हड़बड़ी में था ताकि वो यहाँ का सारा फ्रोजन फूड डोनेट कर सके। शायद अब से मुझे अंधेरे में ही स्कैन करना होगा। उम्मीद करता हूँ जिमी जल्दी से बिजली शुरू कर दे, मुश्किल हो रही है। झूठ नहीं कहूंगा, बिजली जाने की वजह से एलेक्स को मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। शायद यहाँ से सिर्फ खाना ही बाहर नहीं जा रहा था। शायद मैं इस फोर्कलिफ्ट को घुमा सकता हूँ। चला ये लाइन संभाल कर। ये स्टोर एक खंडहर में बदल रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ और डॉक डोर को खोलने वाला हूँ ताकि मुझे थोड़ी सूरज की रोशनी मिल सके, थोड़ी खुली हवा मिल सके, क्योंकि ऐसे काम नहीं बनेगा। ओह, क्या बात है। यही दरवाजा मुझे निकालेगा इस अंधेरे से। यह है 36वां दिन। मैंने पहले ही $80,000 का सामान स्कैन करके रखा है जिसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इन कार्ड्स को लोड करते रहना होगा। बहुत सामान बाहर भेजना है। यहाँ बस कार्ड्स और पैसे हैं। मुझे बस इंतजार है, ये दिन बीतने का इंतजार। दिन का मेरा सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है इस रेड लाइन के इतने करीब होना। आई एम जस्ट अ सैड ओल्ड मिजरेबल बॉय बैक हियर। Nothing's ever been sadder in my life except living in a grocery store, coffee, food and a lot of money. मैंने काफी सामान चेकआउट करके रखा है। मैं और कुछ नहीं करना चाहता, करने के लिए कुछ और है भी नहीं। मुझ में और मेरी बीवी और बच्चों के बीच में बस ये रेड लाइन है। यहाँ बिजली नहीं है, इस रेड लाइन के मैं इतने करीब हूँ और ये एहसास कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ, अब खुद पर काबू पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मैं जानता हूँ पीछे अभी भी कई जगहें ऐसी हैं जिन्हें मैंने देखा नहीं है। कुछ ग्लासेस, आइस पैक्स। ओह, ये क्या है? देखो मुझे क्या मिला, इंस्टा स्टार्च क्विक पैक लैंटर्न। बढ़िया, मेरे पास कुल 5 हैं। मैंने सब जला दी हैं, ये सब बढ़िया चमक रही हैं। इन सभी लैंटर्न्स ने यहाँ पूरा उजाला कर दिया है। अब यहाँ फिर से आराम से रह सकते हैं। ओ एलेक्स, तुम कहाँ? यो, और 10,000? हाँ। कमाल की बात है, इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी यहाँ होकर मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, बस इन्हें देखने के सिवा। देखोगे कैसे, यहाँ इतना अंधेरा जो है। तो यहाँ पर थोड़ा उजाला करते हैं। क्या सच में? बस शूट करने के लिए। ठीक है, तुम तब तक यहाँ पर क्या करोगे? मैं सोच रहा था फोर्कलिफ्ट की मदद से उन शेल्व्स को वहाँ से हटा दूं। ओह। तुमने ही तो कहा था यहाँ
चल क्या रहा है? ठीक है, अब यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है, तुम्हें कल मिलता हूँ मैं। ये रही तुम्हारी झाड़ू। थैंक्स गाइस। सफाई के मजे लो। पूरा दिन क्रिस का कबाड़ साफ करने के बाद एलेक्स ने नई बनी हुई जगह पर पीछे से मिले हुए पूल को सेट करने का सोचा। चलो करते हैं। मैं उन होज को यहाँ पर लाकर इस पूल में लगाऊंगा और कल तक हमारे पास होगा एक ग्रोसरी स्विमिंग पूल। एक हफ्ता हो गया है और चैंडलर मुझे बता नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये जगह पूरी तरह बदल गई है। ओह गॉड, दरवाजा खोलो, मुझे देखना है। वाओ, सब चीजें कहाँ चली गई? तुम्हारे जाने के बाद हमने कुछ बदलाव किए। लगता है किसी ने क्रिस को फोकलिफ्ट दे दी थी। अब मैं सब समझ गया, ये तुमने खुद बनाया? हाँ, तुम अंदर जाओगे? तुमने सॉक्स पहने? हाँ। पागल हो गए क्या? बहुत ठंडा है। क्या रे तुम? तुम अक्सर पूल में क्या करते हो? मैं तो बस इसमें तैरता हूँ। ये मजेदार था पर शायद अब हमें जाना चाहिए। ग्रोसरी के लिए शुक्रिया, पूल के मजे लेना। ठीक है, मैं पीछे जाकर सब कुछ ले आता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्या पता वहाँ कुछ मजेदार हो। जाहिर है यहाँ तक आते आते एलेक्स बहुत थक चुका था और जब वो फोकलिफ्ट से राउंड लगा रहा था तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। मैं एक और मुड़ना चाहता था और वो दूसरी दिशा में मुड़ गया। ओह माय गॉड, मेरे पूरे पैसे भीग गए हैं, बहुत सा सामान खराब हो गया, यहाँ पर पूरा पानी भर गया है। वो मेरे घर में है, पूरे ग्रोसरी स्टोर में भरा है, मैं तो गया काम से। अब मैं बस जाना चाहता हूँ। अब चलते हैं। एलेक्स मेरे दोस्त, ये गीला क्यों है? हाँ, यू। यो। ओ, एलेक्स, तुम्हारे सोने का रथ आ रहा है। ओ, देखो कैसे सोया हुआ। क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल हारे हुए लग रहे हो। हाँ, मैंने पूल फोड़ दिया। तुमने पूल कैसे फोड़ दिया? मैं कुछ सामान छोड़ने के लिए जा रहा था पर जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही वो उल्टी दिशा में मुड़ गया और मैंने सोचा नहीं। तो ये सब भीग गया? यहाँ पर और कितने हफ्ते रुकोगे? हफ्ते? यहाँ एक एक दिन बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं कितना आगे जाता हूं। तो अगर तुम्हारे बेड में कल तुम्हें मकड़ी दिखी तो तुम भाग जाओगे? ओ, 100%। मुझे नहीं लगता उसके पास ज्यादा दिन है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या तुम अंदर आकर कुछ देर बात करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, बहुत डिप्रेसिंग हो। चैलेंज शुरू होने से पहले ये स्टोर कुछ ऐसा दिखता था और अब ये कुछ ऐसा दिखता है। तो 44वां दिन है, बाहर लगभग अंधेरा है, जिमी भी आज नहीं आया है और मुझे कुछ चीजें भी बेचनी हैं। अभी मैं ये चीजें पीछे ले जाता हूँ, उम्मीद है कोई तो आज $10,000 लेकर आएगा, शायद वो मेरे बारे में भूल गए हैं। यहाँ पर बहुत अकेलापन है, मैं अब बस मेरी चेयर पर बैठ जाता हूँ जब तक वो यहाँ पैसे नहीं लाते। ओ, ये क्या है? क्या ये मजाक है? क्या तुम मुझे देख रहे हो जिमी? पूरे दिन में मुझे बस मिला है ये कबाड़ सा रोबोट। पैसों के लिए शुक्रिया। जिमी भी यहां एक मिनट के लिए भी नहीं आना चाहता, ये जगह इतनी बेकार हो चुकी है, मैं उसे दोष नहीं दे सकता, ये बहुत बेकार है। गॉड, मुझे फैमिली की बहुत याद आ रही है। आज 45वां दिन है और चैंडलर, उसका हाल कैसा है? वो पूरी तरह बोर हो गया है, वो जमीन पर बैट मार रहा है। अगर वो पूरे $4.5 लाख नहीं जीतता तो मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लगता, और वो जब चाहे वहाँ से जा सकता है, तो उसे कुछ नहीं होगा। एलेक्स, तुम्हें कैमरा पर देख रहे थे, तुम बहुत ही दुखी लग रहे थे। हाँ, मैं बोर हो गया हूँ। खैर, ये रहे $10,000, बोरियत कम हुई? हाँ, पर थोड़ी सी। बताओ और कितने हफ्ते बचे हैं? पता नहीं, शायद एक घंटा भी नहीं रह पाऊँ। सच में? चलो तुम्हारा पैसों का समंदर देखते हैं। अब तक तुमने इतने पैसे कमाए हैं, पूरे $4.5 लाख, क्या तुम्हारे लिए इतने काफी हैं?
मुझे एक सेकंड दो, एक सरप्राइज फैसला लेने में मदद कर सकता है। क्या? एक और सरप्राइज? ए बेबी। ये क्या है? रो मत। रुका नहीं जा रहा। तो चला। ठीक है, तो चलो पैसों को बाहर धकेलें। ठीक है एलेक्स, इस रेड लाइन पर कदम रखते ही गेम ओवर। पैसे अंदर आ सकते हैं ताकि खेल जारी रहे, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, अंदर ले आओ। ठीक है, पैसे अंदर लाओ। मजाक कर रहा हूँ।